करौली जिले के शासन पावर रिलायंस कोल माइल्स के विस्थापितों द्वारा आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर रिलायंस मैगजीन गेट पर जाम कर दिया गया है। लोगों द्वारा बताया गया है कि रिलायंस द्वारा विस्थापितों को नौकरी नहीं दिया जाता है एवं गांव वालों को जो भी पानी दिया जाता था उसे भी बंद कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों को भत्ता दिया जाता था उनका 4 महीने से भत्ता बंद कर दिया गया है। विस्थापितों को प्लॉट नहीं दिया गया। जिनका घर रिलायंस द्वारा गिरवी दिया गया था वे लोग बिना प्लॉट के परेशान हैं। जिन लोगों को प्राइवेट ठेकेदारों के अंडर रिलायंस कंपनी द्वारा नौकरी दिलाई गई थी उन्हें भी नौकरी से बैठा दिया गया है। जिन समस्याओं को लेकर विस्थापितों ने आज रिलायंस कोल माइंस के मैगजीन गेट पर आंदोलन पर उतर गए हैं। हम लोगों को प्राइवेट नौकरी दिया गया था जो कि उसको भी बैठा दिया गया है। तो महीने में 10 दिन ड्यूटी देंगे इसके बाद बैठा देते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं कि घर गिराओ तो नौकरी देंगे, जो कि हमारा मुआवजा बाकी है, प्लाट बाकी है और नहीं दिए हैं। इसके बावजूद भी दबाव बनाया जाता है कि बंद करो, पानी भी रोक दिया गया है। हम ग्रामवासी कैसे अपना जीवन यापन करें? भत्ता से बोल रहे हैं कि घर गुजारा करो और आज 4 महीने से हम लोगों का भत्ता भी बंद किया है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर आज इनके मैगजीन में आना पड़ा है। क्या अभी तक रिलायंस का कोई अधिकारी बात करने आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हुए हैं। अगर रिलायंस का अधिकारी बात करने नहीं आएगा तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हम आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे, गेट जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कितने लोगों को विस्थापित हो, कितने लोगों को नौकरी दिया जा चुका है? ज्यादा ज्यादा 8-10 लोगों को नौकरी दिया गया है, इसके अलावा किसी को नौकरी नहीं। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी रिलायंस द्वारा नहीं दिया गया? अभी टोटल नहीं मिला है नौकरी, खाली 10 लोगों को नौकरी मिला है ज्यादा से ज्यादा।